नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात चुनाव की। बता दें कि जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। खास तौर पर अगर बात करें दिल्ली से आम आदमी पार्टी की, जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन अब गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी हुंकार भर दी है। लगातार गुजरात में अपने पैर पसारने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बता दें हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार प्रसार के लिए गुजरात पहुंचे थे। इस दौरान एक ऑटो में बैठने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की गोवा पुलिस से भिड़ंत हो जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इस पर सफाई देते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने इस चीज के लिए बीजेपी पर निशाना साधा और अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल के उस निशाने पर, उस वार पर भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी ने पलटवार कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी जरा सुनिए। मैं गुजरात के अपने सभी ऑटो चालक भाइयों से यह निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली में अगर किसी ऑटो चालक को जानते हैं तो उनको फोन करिए और उनको पूछिए जरूर कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे दिल्ली के ऑटो चालकों से, क्या उसका कुछ अंश भी पूरा किए। आपको जवाब मिलेगा कि कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि वादों की पूरी झड़ी लगी हुई है दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ। यहां तक कि दिल्ली के ऑटो चालकों को एक नया लाइसेंस लेने के लिए भारी रिश्वत भी देनी पड़ती है। और ये सब कुछ जानने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से हाई सिक्योरिटी लेकर गुजरात में नाटक करते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कि 2013 के बाद से एक भी वादा पूरा नहीं किया ऑटो चालकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने, और अब सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। मैं बहुत जल्दी गुजरात आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा बहुरूपिया है और किस प्रकार से दिल्ली को तार तार करके सिर्फ लूटने का काम किया है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।